नमस्कार, वेलकम टू संजूस होम किचन। आज हम बनाने वाले हैं एक चॉप। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए उसको बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे 6 बॉयल्ड अंडा लिए हैं और यहाँ पे 2 बॉयल्ड आलू को मैश करके रखा है। तो चलिए सबसे पहले एक चॉप के लिए हम आलू का मसाला बना देते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल गरम कर लेंगे। तेल जब गरम हो जाएगा हम इसमें 2 बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अब हम इसको सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, अब हम इसमें कुछ मसाले डालते हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैश किया हुआ आलू डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के मिक्स कर लेंगे। आलू मसाला बन गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर देंगे। आलू ठंडा हो गया है, अब हम अंडे के अंदर आलू मसाला भर लेंगे। हम अंडा को बीच में से चीरा लगा लेंगे, उसको पूरा नहीं काटेंगे। अब हम आलू का मसाला थोड़ा सा लेंगे और इसके अंदर इसको इसे लगा लेंगे। इसे लगा लेंगे। ये हम ऐसे ही अंडे के अंदर आलू भर लिया है। अब हम बाकी के अंडे में भी ऐसे ही आलू मसाला भर लेंगे। यहाँ पे हमने सभी अंडों में आलू का मसाला भर दिया है। अब हम एक चॉप के लिए बेसन का बैटर बनाएंगे। अब हम एक बोल में 5 से 6 टेबलस्पून बेसन लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे। थोड़ा सा कलौंजी डालेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर को डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे। एक साथ हम पानी नहीं डालेंगे वरना हमारा बैटर जो है वो पतला हो सकता है। अब हमारा बैटर बनके रेडी है। इस बैटर को हम ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा करेंगे। अब हमारा बैटर रेडी है और अंडा भी रेडी है। तो चलिए
अब हम एक चॉप बनाना शुरू करते हैं। एक चॉप बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम कर लेंगे। इसके बाद अंडे को हम बेसन के बैटर में डिप करके हम तेल में फ्राई करेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है। अब एक अंडे को हम ऐसे बेसन के बैटर में डिप करेंगे और इसको ऐसे धीरे से तेल में डाल रख देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखें। जब नीचे वाला साइड अच्छे से फ्राई हो जाएगा हम उसको ऐसे पलट देंगे। हम इसको चारों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम बाकी के अंडे को फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा टमाटो केचप डालेंगे, थोड़ा सा चिली सॉस डालेंगे। ये ग्रीन चिली सॉस मैंने डाल रही हूँ यहाँ पे। बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालेंगे और लास्ट में हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे। गर्मा गर्म एक चॉप बन के रेडी है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक बटन को क्लिक करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।